न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। पता याद रखिए, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। वैसे ये एक मशहूर गाना है जो भले ही पुराना है, लेकिन इसके बोल लोगों के जहन में आज भी हैं। इन दिनों लॉकडाउन में मजदूरों के हाल कुछ ऐसे ही हो गए हैं, क्योंकि काम धंधे सब बंद हैं और जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं वो किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं। तस्वीरों में नजर आने वाले ये मजदूर एमपी के रायसेन जिले से अपने घर जा रहे हैं, लेकिन इनके पास हाथ ठेले का ही साधन है, वो भी एक ही जिले में तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर तय कर अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद करते ये तीन परिवार 4 दिन से लगातार अपने बच्चों और कुछ सामान को हाथ ठेले पर रखकर निकल पड़े हैं। इन्हें भाड़ून गांव जाना है, जो बीते 4 दिन से पैदल चलकर ओबेदुल्लागंज से भाड़ून के लिए निकले हुए हैं। बरेली पहुंचने पर इन परिवारों को राघवेंद्र रघुवंशी ने भोजन के पैकेट बांटे। 10 साल से ओबेदुल्लागंज में सब्जी का कारोबार कर रहे मनोज लोधी और 2 अन्य परिवार जब लॉकडाउन की अवधि खत्म होने को आई, तब घर भाड़ोन के लिए अपने 3 बच्चों के साथ निकल पड़े। हाथ ठेले पर बैठे 3 बच्चों के मुंह पर मास्क लगा हुआ था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो जा कहां रहे हैं, लेकिन उनके मजबूर माता पिता अपने किराए के घरों में ताले डालकर गाँव की ओर चल दिए। हालांकि कल ही लॉकडाउन को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल ओबेदुल्लागंज के पास मंडी दीप में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल आए हैं और इनका सब्जी का धंधा बंद हो गया है। ऐसे में रोजी रोटी का संकट आन पड़ा, इसलिए इन लोगों ने घर जाना ही मुनासिब समझा। 4 दिन के सफर में किसी गांव में राशन दे दिया तो खाना बनाकर खा लिया, नहीं मिला तो बच्चों को बिस्किट वगैरह की व्यवस्था कर चल दिए। पूरे रास्ते में इनको कोई सरकारी मदद नहीं मिली। मनोज ने कहा कि गाँव जाकर वो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाएंगे। ये सफर 4th दिन है, आज 4 दिन हो गए। बच्चों के साथ किसी सरकारी कर्मचारी नहीं, कोई राहत नहीं है, वो सब फालतू अपवाह है, कुछ कोई राहत नहीं है सर। फिर यहाँ जंगल पड़ता है, आप लोग कैसे सर्वाइव करके आ रहे, कहाँ रुकते थे? रुकते थे खेतों में, रुक जाते थे। खाना पान खाने वाला आटा रखे, कुछ लोग आटा भी दे देते हैं, खाना भी दे देते हैं, कोई बिस्कुट भी दे देते हैं, वह हिसाब से व्यवस्था करके चले आ रहे हैं। अब आपको और कितना समय लगेगा वहाँ तक? अब यहाँ से हमको क्या 3-4 घंटे नहीं, कल पहुँच पाएंगे, अभी इतना रंग नहीं पाएंगे, अभी कहीं बीच में फिर रुकेंगे, रुकना पड़ेगा। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आई हो आप? अब्दुल्लागंज से। कहाँ जाना हो रहा है आपका? भाड़ून जाना है। कितना लंबा रास्ता ही आप हाथ ठेले में बच्चों को बैठा? 150 किलोमीटर तो होगा ही। पैदल चले आ रहे हैं? ये हाथ ठेले पे बच्चों को रखे? हाँ, हाथ ठेले पे बच्चे को रखे। चले आ रहे हैं। फिर कोई रास्ते में कोई सहायता मदद किसी ने रोका टोका? नहीं, किसी किसी गांव वाले अच्छे थे तो उन लोगों ने आटा नाटा दे दिया था और बोला गांव से दूर जाके रुक जाओ आप लोग, तो हमने कहा ठीक है। तो अब आप लोगों को कितना समय और लगेगा? अभी यहाँ से 4-5-6 घंटे तो लग जाए। फार्म होने वाली बच्चों के साथ कहाँ जाए, नहीं जा पाए, फिर कहीं रास्ते में रुक। अभी खाने पीने की कहीं दिन भर से कोई व्यवस्था? नहीं, दिन भर से नहीं हुई थी, अभी यहीं पे हुई है व्यवस्था, तो वो हमने ले लिया, आप कहीं बैठ के खाएंगे। रायसेन से राजेश रजक, सागर टीवी न्यूज। विश्वास का नाम, 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041, 8720042083।